हेलो दोस्तों, मेरा नाम योगी है और यह सीरीज़ मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जो ट्रिनिटी में म्यूज़िक थ्योरी के एग्ज़ाम देना चाहते हैं। यह सीरीज़ मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाई है, तो जिसमें भी आपको कंफर्टेबल लगे आप उसमें इसे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं थ्योरी। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक। और पहला टॉपिक है हमारा द स्टेव। स्टेव एक्चुअली में होता क्या है, ये 5 लाइनों का एक पैटर्न होता है जो इक्वली स्पेस में डिवाइड होता है। और वेस्टर्न म्यूज़िक हम इन्हीं 5 लाइनों के ऊपर लिखते हैं। आगे जाके जैसे आप ग्रेड वाइज बढ़ते जाएंगे तो आपके साथ एक्स्ट्रा लाइन्स जुड़ती जाएंगी जो हम आगे पढ़ेंगे। होता क्या है कि जो ये 5 लाइन होती हैं इसी पे हम बनाते हैं अपने नोट्स। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया है, या आप देख सकते हैं कि लाइनों के ऊपर दिया गया है और यहाँ पर स्पेस में दिया गया है। तो मेन चीज़ आपको यही सीखनी है। स्टेव का मतलब होता है जनरली ये 5 लाइन है, इन 5 लाइनों के पैटर्न को हम स्टेव बोलते हैं। ये ध्यान रहे कि जैसे यहाँ पे दिया गया है एग्जाम्पल में, जो आप ये नोट्स बनाते हैं इनका शेप जो है कि ओवल होना चाहिए, सर्कुलर नहीं होना चाहिए, मतलब राउंडेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं पहले एक्सरसाइज की तरफ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले एक्सरसाइज में दिया गया है राइट अ नोट हेड ऑन एवरी लाइन, लीव गैप्स बिटवीन द नोट्स एज शोन इन द एग्जाम्पल अबव। तो मतलब कि हमें हर लाइन के ऊपर अपने नोट्स बनाने हैं और जो गैप्स, जो स्पेस है वो हमें छोड़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहली लाइन पे हमें दिया गया है एग्जाम्पल के तौर पर। अब हम दूसरी लाइन पे बनाते हैं अपना नोट, फिर तीसरी लाइन पर, चौथी लाइन पर और पांचवी लाइन पर। चलिए अगला है हमारा राइट अ नोट हेड इन एवरी स्पेस। अब हमें क्या बनाना है, नोट हेड बनाना है हमें स्पेस में, जो स्पेस दिया गया है। पहला, तीसरा स्पेस और चौथा स्पेस। ठीक है, चलिए अगली एक्सरसाइज। दिया गया राइट 3 नोट हेड्स ऑन 3rd लाइन अप फ्रॉम द बॉटम, देन राइट 3 नोट हेड्स इन द फर्स्ट स्पेस। सो अभी हमें बोला गया है कि तीसरी लाइन पे, जो कि नीचे से तीसरी लाइन है, उस पर 3 हेड बनाने हैं और जो पहला स्पेस है उसमें हमें 3 नोट्स बनाने हैं। तो चलिए बनाते हैं। एक नोट हमें यहाँ दिया गया है, इसके बाद ये है हमारा दूसरा नोट और ये है तीसरा नोट। इसके पहले स्पेस में हम जाएंगे, ये गया है पहला नोट, दूसरा नोट और तीसरा नोट। चलिए अगली चलते हैं। चौथा में दिया राइट अ नोट हेड ऑन एवरी लाइन एंड इन एवरी स्पेस। तो अब हमें क्या करना है, हर लाइन पे और हर स्पेस में नोट बनाना है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, चलिए शुरू करते हैं दूसरी लाइन से। स्पेस, लाइन, स्पेस, लाइन, स्पेस और लाइन। दोस्तों अभी पहली इसमें मैंने ज़्यादा कुछ आपको कहा नहीं है, धीरे धीरे जैसे हम चलेंगे मैं आपको आगे चीज़ें बताता रहूँगा, मैं कौन से रिसोर्सेज अपने यूज़ करता हूँ। जनरली जब भी आप एग्ज़ाम देंगे कोशिश करेगा कि आप मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करें, क्योंकि जो हम दूसरी अपनी पेंसिल जनरली जो यूज़ करते हैं तो बार बार शार्प करना पड़ता है और निब उसका उतना अच्छा नहीं हो पाता है। दूसरा, एग्ज़ाम में अभी के लिए मैं रूलर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बट आप रूलर यूज़ करिएगा और कोशिश करिएगा कि आपको कीबोर्ड, इस तरह का कीबोर्ड आपको बनाना आता हो। ये आपको बहुत मदद करेगा आपके एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं दूसरे टॉपिक की ओर। तो दूसरा टॉपिक हमारा दिया गया है, जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, राइटिंग हाई एंड लो नोट्स, मतलब कि हाई नोट और लो नोट। यहाँ पे एग्जांपल में आप देखते हैं, यहाँ पे आपको दिया गया होगा ये होती है हमारी सेंटर की लाइन और ये है हमारे हाई नोट और ये है हमारे लो नोट। इसमें एक टॉपिक और है जिसे बोलते हैं स्टेम। स्टेम क्या होता है, स्टेम ये जो नोट के साथ आप लाइन देख रहे हैं, डंडी देख रहे हैं, इसे बोलते हैं हम स्टेम। और यह स्टेम हमारी ऊपर या नीचे की तरफ, आप देख सकते हैं जो ये हाई नोट होते हैं इसमें हमारी स्टेम आती है नीचे की ओर लेफ्ट साइड पर, और जो लो नोट होते हैं उसमें हमारी स्टेम जाती है ऊपर की तरफ राइट साइड में। और जो सेंटर के नोट होते हैं जो बीच के, इसमें आप नीचे भी आ सकते हैं और ऊपर भी जा सकते हैं, बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो चलिए करते हैं पहली एक्सरसाइज। जैसा कि आप पढ़ सकते हैं इसमें बोला गया है एड अ स्टेम ऑन ईच नोट। तो हमको यहाँ पे हर जो नोट है उसमें स्टेम यूज़ करनी है, स्टेम लगानी है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सारे के सारे नोट
हमारे बीच की लाइन से ऊपर है, तो मतलब इन सब में हमारे नोट्स आएंगे लेफ्ट साइड को नीचे की ओर, ठीक है। सो ये हमारा यहाँ पे आएगा, ये हमारा यहाँ तक, ये हमारा यहाँ तक, ये हमारा यहाँ तक। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसमें जो ये नोट होता है, कई लोगों को भूल जाते हैं कि ये जो स्टेम होनी चाहिए ये कितनी लंबी होनी चाहिए। ये स्टेम आपकी एक्चुअली में जो आपका नोट है, उसी नोट जो आपका वन ऑक्टेव नोट जो आप नीचे आते हैं वहीं पे वहीं तक आना चाहिए। अभी आपने लाइनों के जो ये आपके स्टेव की जो लाइंस होती हैं, आपको ये नहीं पता कि कौन सा क्लेफ है, वो मैं आपको नेक्स्ट आगे बताऊंगा। पर फिलहाल के जो इसकी लाइन है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप आगे जाके इन लाइंस के स्पेस के नाम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो स्टेम है ये उतनी ही लंबी होनी चाहिए जितना वन ऑक्टेव पे ख़त्म होनी चाहिए, ठीक है। चलिए दूसरा करते हैं, एड अ स्टेम टू ईच नोट हेड। अब हमें यहाँ पर फिर से स्टेम यूज़ करनी है, तो जैसे हम देख सकते हैं कि ये हमारे लो नोट हैं क्योंकि ये बीच की लाइन से नीचे हैं, तो इसमें स्टेम हमारे जाएंगे ऊपर की ओर। तो चलिए ऐड करते हैं, ये हमारा गया ऊपर, ये हमारा गया ऊपर राइट साइड में, ये गया ऊपर राइट साइड में, और ये गया ऊपर राइट साइड में, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं तीसरा। तीसरे में हमें लिखा गया है, राइट फाइव हाई नोट्स एंड फाइव लो नोट्स यूजिंग नोट हेड्स एंड स्टेम। तो अब हमें पांच हाई नोट बनाने हैं और पांच लो नोट बनाने हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, जैसा कि हमारा बीच की लाइन है, अगर हम यहाँ से शुरू करें तो हमारा एक दो तीन चार पाँच, चलो चलिए हाई नोट शुरू करते हैं इस वाले स्पेस से। यहाँ से हमने शुरू करा, ये हम यहाँ तक आए, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अब लो नोट शुरू करते हैं, तो ये बीच की लाइन है, इससे नीचे पहला नोट लेते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अभी आप देखेंगे, अभी मैं नॉर्मल इसको ऐसे ही लाइन लगा रहा हूँ, बट आप जब एग्ज़ाम देंगे याद रखिएगा आप रूलर का यूज़ करें, क्योंकि उसमें ये चीज़ों का बहुत मार्क्स कटता है अगर ये सीधा नहीं है तो, ठीक है। चलिए दूसरा एक्सरसाइज करते हैं। ये दिया गया है, एड अ स्टेम टू ईच नोट हेड। अब हमें यहाँ पे स्टेम लगाने हैं, देखना है कि कौन सा नोट ऊपर है या नीचे है, लो हाई नोट है या लो नोट है। तो जैसा ये तीसरी लाइन से ऊपर है तो ये हाई नोट, स्टेम आएगा नीचे की ओर, ये नीचे है, स्टेम आएगा ऊपर की ओर, हाई नोट नीचे की ओर, ये सेंटर नोट है, इसमें आप नीचे भी जा सकते हैं और ऊपर भी जा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं नीचे आऊँगा, ये हाई नोट नीचे, हाई नोट नीचे, लो नोट ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पहले दो टॉपिक फिनिश होते हैं, अब हम आपको मिलते हैं अगले टॉपिक पे।